राष्ट्रीय बजरंग दल कोकण प्रांत दक्षिण मध्य मुंबई विभाग की ओर से मानखुर्द में दिनांक 7/11/2021 के दिन हिंदू धर्म सभा का आयोजन किया था, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय बजरंग दल कोकण प्रांत महाराष्ट्र अध्यक्ष दिनेश पाटिल जी उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पाटिल ने कहा कि जल्द ही मुंबई में भव्य धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी भी उपस्थित रहेंगे। अब हिंदू कहीं से भी पलायन नहीं करेगा, पराक्रम करेगा। पाटिल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही कश्मीर से 1990 में 5 लाख हिंदू भाई को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा था, उन्हें जल्द ही कश्मीर में उनके घर वापस दिए जाए। धारा 370-35 हटने के बाद भी समय क्यों लगाती ही सरकार राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र में संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कानून लागू है और गोवा में उसी गोमाता को काटकर खाते हैं। यह देश हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। महाराष्ट्र यह संतों की भूमि है और इसी महाराष्ट्र में पालघर में संतों की हत्या की गई, फिर भी यह सरकार शांत सरकार अमर अकबर एंथनी की है। कार्यक्रम में रवि कुमार बहनवाल, गणेश पाटोले उपस्थित रहे। अगर 2015 में हमारे देश में हमारे महाराष्ट्र में संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा पारित हो के भी इससे बकरीद में गोवंश काटा नहीं गया, आइयो बोलो मांग कुछ क्या, इससे बकरीद में गोवंश काटा नहीं गया, सिर्फ बकरे ही काटे गए हैं। ऐसा समाज है हमारा कि जिसको माता कहता है उसको बचाने की हिम्मत नहीं रखता है। तो आपको उस गाय को माता करने का अधिकार है? 16 लाख के ऊपर हमने हमारे हिंदू लड़कियां, ये मैं ऑन पेपर बोल रहा हूँ, इसका सबूत दे सकता हूँ आपको, 16 लाख हिंदुओं की लड़कियां इन जिहादों ने नव जिहाद का शिकार करके भगा के लेके गए। क्या किया आप हिंदुओं ने? यही सवाल पूछने के लिए नहीं डराया। अगर 1993 में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे अगर मुंबई में नहीं रहते तो मुंबई में हर हिंदू पटा जाता, ये ध्यान में रखना। एक ही ऐसा शहर था मुंबई में, जब तो धाका था ना तो पूरी मुंबई हदत जाती थी, उनका नाम बाला साहेब ठाकरे था। सभी पक्षीय उनका आदर करते, उसका कारण ही वही है, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारे भारत देश में रहने वाला वो मुसलमान रहने दो, पीछे रहने दो, लेकिन वो भारत माता को अपनी माता समझता है तो वो मेरा भाई है। लेकिन हमारे देश में रहने वाले सभी ये जो जिहादी है वो बाबर औरंगजेब इन शासन की नाजायज जो औलादे है, इनको ये देश अपना लगता है? मरते तो हमारे देश में ही है, 6x6 की कबर और 3x3 के खट्टे के नीचे जाके क्या करते हैं, आराम करते हैं ना नीचे। फिर भी कहते हैं, हैदराबाद का कुत्ता कहता है कि भारत माता की जय मैं नहीं कहूंगा, फिर भी हमारा प्रशासन शांत है, फिर भी हमारा प्रशासन शांत है। सीमा पे हमारे जवान जान की बाजी लगा के कुर्बान हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं भारत माता की जय कह के, और ये हराम खोर कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में रहके भारत माता की जय नहीं कहेंगे। फिर प्रशासन बोलता है ये बात बोलना नहीं है, क्यों? वातावरण खराब हो जाएगा। कहां पर 80 कोटी हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं और 25 करोड़ जो रहते हैं ना ऊपर कुछ पहनते हैं कटी हुई, उनके वजह से हमारा देश का वातावरण खराब हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जम्मू कश्मीर में पूरा हिंदू समाज रहता था, कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। कि हमारा